हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर इफेक्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज राउंड सर्कल में हम हमारे काउंटिंग कैसे प्ले कर सकते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। न्यू कंपोजिशन, न्यू सॉलिड, यहाँ से हम लोग इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो राउंड यहाँ से कुछ भी उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब लाइन से इसे सेंटर करेंगे, से इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहां से ट्रिम पथ, अगर यहां विजुअल नहीं होगा तो ऐसे होगा, तो इसे हमें शेप लेयर को ओपन करके यहां से ट्रिम पथ ओपन करेंगे। ट्रिम पथ यहां एंड में जाएंगे, यहाँ 0, देन 10 सेकेंड पे इसे 100, तो ये एनिमेट बन गया एक। राउंड स्टॉक में जाइए, अगर हम इसे राउंड करना चाहें तो जो ये हमारा राउंड हो जाएगा। ये देखिए राउंड, तो शेप हमारी राउंड हो गई। अभी इसका एक डुप्लीकेट शेप लेयर को डी प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर, एंड इसमें हम लोग जाएंगे शेप लेयर के स्टॉक में इसका कलर चेंज करेंगे। एंड इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे, देन ओके। एंड एक काम, ट्रिम पथ में जाएंगे इसके एंड को, क्योंकि हमें ये एनिमेट नहीं चाहिए, ये स्टिल रहेगा। अभी हमें न्यू सॉलिड पे न्यू टेस्ट लेयर ना, या हम कुछ करते हैं 0 0, यहाँ से इसे सेलेक्ट करके कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन, ग्रीन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू, ये इस तरह से हम कोई भी इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। सॉरी एक टेस्ट लेयर और बन गई। हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी लेयर बन जाती है ना, एक और दो टेस्ट लेयर बनानी उन्डो करते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारा
अभी ये जो काउंटिंग है 1 से लेके ये भी चलनी चाहिए, उससे पहले हमें स्केल करके इसे थोड़ा बड़ा कर दिया है। अलाइंस पे जाइए, इसे सेंटर कीजिए, पैराग्राफ में भी इसे सेंटर कीजिए। अभी ये हमारी काउंटिंग रनिंग कैसे फाउंड रनिंग कैसे करेगा उसके लिए हमें शेप में शेप 1 प्रेस करना है एंड यू प्रेस करना है। उसे यू प्रेस करते हैं हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और टेस्ट में जाइए, टेस्ट के अंदर सोर्स टेस्ट, तो हमें इसे क्या करना है, सोर्स टेस्ट को इस वैल्यू के साथ में लिंक करना है, इसके साथ लिंक करना है सिंपली ड्रैग किया तो हम इसने जो अपनी साइड की वैल्यू है वो उठा ली है। रन, अब इसे रन करें। ओप्स, ये क्या हुआ, वेरी सिंपल भी है, आपको भी ये प्रॉब्लम्स आएगी तो सिंपली यहाँ क्लिक करना है एंड शिफ्ट अल्ट के साथ शिफ्ट करना है तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे मैं यहाँ क्लिक करें और जावास्क्रिप्ट में सिंपली मैथ राउंड वैल्यू में क्लिक करें। अब हम इसे क्लिक करते हैं, तो हमारी रनिंग काउंटिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह से हमने रनिंग सर्कल बना सकते हैं विद काउंटिंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।